हेलो नमस्ते, वेलकम यू ऑल, स्वागत है आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पर। सभी को जय हिंद, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जी जान से, कड़ी मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो फाइनली आगाज हो चुका है, फाइनली हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक और घमासान सेशन। जी हाँ, शॉर्ट ट्रिक की एक सीरीज हम लोग स्टार्ट की और उस सीरीज में आज हम लोग पहले सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हो जाओ तैयार। कई बार मेरे पास बच्चों का फोन आता है, परेशान रहते हैं कैलकुलेशन को लेकर, स्पीड को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो भैया, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। फाइनली मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए कुछ चुनिंदा मंत्र, जिनका आप अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करने में बिल्कुल पूरी आसानी से, पूरी शिद्दत से उपयोग कर सकते हैं। तो हो जाओ तैयार, कुर्सी के पेटियां बांध लो, क्योंकि इस बार मजा बहुत अच्छे लेवल पर आने वाला है। जी हाँ, तगड़ा मजा आने वाला है। तो फटाफट से एक बार मेरी सारी की सारी आर्मी से मैं चाहूंगा कि इस सेशन को बड़े प्यार से और पूरी शिद्दत के साथ अटेंड करिएगा, और जो मैं देने वाला हूं उसे अपने दिल दिमाग गुर्दों तक बसाने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज की शुरुआत में। लेकर आया हूं मैं एक और तगड़ी ट्रिक। जी हाँ, देखिएगा, फर्क महसूस कीजिएगा। कुछ चुनिंदा ट्रिक्स का ये कलेक्शन आपको मिलने वाला है। तो फटाफट से आगाज करते हैं पहले नंबर की ट्रिक का। जी हाँ, ट्रिक ऑफ द डे बोल सकते हैं, या इसे कह सकते हैं घमासान ट्रिक। सही सुना आपने, जी हाँ। आज मंत्र एक के दौरान हम लोग लेने वाले हैं ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जो जनरली कॉमन्स होते हैं। देखिए, ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है। जब एक ही तरह के क्वेश्चंस पर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है तो हम उसे ट्रिक का नाम दे देते हैं। तो उसी ट्रिक को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे ज्यादा ट्रिक्स मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की देने वाला हूं कि चुनिंदा जब कुछ स्पेशल टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिलते हैं तो उन्हें करने का एक स्पेशल तरीका होता है, और वो तरीका ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे, आज हम क्या करने वाले हैं सर, तो आज हम लोग करने वाले हैं ऐसे नंबर्स के, दो डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जिनका इकाई के अंक का योग जो होगा वो 10 होगा और दहाई का अंक सेम होगा। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कोई भी दो डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, दो डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाए, तीन डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, तीन डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे करें, क्यूब कैसे करें। कई सारी ट्रिक्स आप लोगों के लिए अपने पिटारे से लेकर आऊंगा, आता रहूंगा। बस आप इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जब ऐसा कोई नंबर जिसका इकाई का अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक क्या हो, सेम हो, लाइक दिस, तो ऐसे नंबर्स को हमें सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट बिना पेन टिकाए एक नजर में सॉल्व कर सकते हैं। जी हां, सही सुना आपने, एकदम सही कह रहा हूं मैं कि अगर आपके सामने इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो दैट्स, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप इन दो डिजिट्स का इंटू कर दीजिए, आ गया 24 बड़े प्यार से। उसके बाद जो भी नंबर कॉमन है या सेम है उसके आगे वाले नंबर से उसका इंटू कर दीजिए, लाइक दिस 6742 इस सवाल का आंसर हो जाएगा बेहद प्यार से। और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में जनाब, तो इस क्वेश्चन को भी आप सेम इसी तरह से बना सकते हैं बेहद प्यार से। करना कुछ भी नहीं है आपको, आपको इकाई के अंकों का गुणा करना है। 7 हो गया 21 और 7 के आगे आता है जनाब 8, तो 7 हो जाएगा 56 और यही सवाल का हो जाएगा बेहद प्यार से आंसर। अगर मैं आगे बात करूं आपसे 39 × 31, तो आपको करना है इन दो डिजिट का मल्टीप्लाई, लेकिन ये भी दो है, ये भी दो है, तो यहां पर भी हम दो ही डिजिट लेंगे, यानी कि हो गया 09 और सीधे सीधे 3 के आगे आता है 4, तो 3 × 4 हो जाएगा बेहद प्यार से 1200 और यही सवाल का आंसर है। ना कमाल, मजा आया कि नहीं आया, जरूर से बताइएगा कमेंट में कैसी लगी ट्रिक। आगे अगर मैं बात करूं आपसे 8 × 2 तो हो गया जनाब 16 और 8 के आगे आता है 9, तो 8 × 9 हो गया 72 बेहद प्यार से। आगे अगर मैं बढ़ू, देख सकते हैं आप, 9 × 1 हो गया जनाब 09 और 9 के आगे आता है जनाब 10, तो 9 ढाई हो गया 90। देखो बड़े प्यार से आपने निकाल दिया।
अब आपका होगा सपना साकार, अब आप हासिल कर पाएंगे वो मंजिल जो आपने तय करनी है, जो आपको हासिल करनी है। इसी तरह की ट्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जनाब। जैसे 7 तिया हुआ 21 और 2 के आगे आता है 3, तो 2 तिया हो गया 6। बेहद प्यार से अगर मैं बात करूं 4 6 24, और आगे अगर मैं बात करूं तो आएगा जनाब 5, तो 4 5 हो जाएगा सरकार 20। आगे अगर बात की जाए 8 2 हो गया जनाब 16, और आगे अगर मैं बात करूं 6 के तो आता है 7, तो 6 7 हो गया 42। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से हमने इस तरह की कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया। आगे भी आपको ट्रिक मिलेंगी, काफी सारी ट्रिक्स आपके लिए लाऊंगा, बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक हैं पूरे जनरल मैथमेटिक्स के, पूरे अर्थमेटिक्स के। आप विश्वास मानिए, अगर आप अर्थमेटिक मैथ की कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, लाइक सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कहीं पर भी आप अगर देखेंगे तो आपको इस तरह की कैलकुलेशन कई बार देखने को मिलेगी। तो इन्हीं कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है पर्टिकुलर मंत्र के द्वारा, जो बाबा भैरव नहीं बाबा अभिषेक के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइएगा, आगे भी इस तरह की ट्रिक आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कैसी लगी ट्रिक जरूर बताइएगा। मैं तो उम्मीद ही कर रहा हूं कि आपको ट्रिक में मजा आया होगा, बेहद ही सुकून भरा एहसास आपको इस सीरीज से मिला होगा। तो कैसी लगी आपको ट्रिक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, 78 और 72 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये क्वेश्चन कमेंट में आप रिप्लाई करिएगा। आगे भी आपके लिए इस तरह की खूबसूरत ट्रिक्स आती रहेंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, सभी को टेक केयर, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू क्लास।